तो मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारी वीडियोस देखते हैं तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो आप फटाफट जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स अब तक मिलते रहेंगे। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर पॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी का इन्वायरमेंट पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसी वजह से पृथ्वी पर अब ऑक्सीजन लेवल दिन बर दिन कम होते जा रहे हैं। अब इसका हल ढूंढने के लिए अब वेस्ट रिसर्च सेंटर और बायो इंजीनियर्स ने मिलकर एक मार्स पर एक प्रोजेक्ट बनाई। एक रोबोटिक प्रोजेक्ट होता है और इसी प्रोजेक्ट पर इंसान ने बनाए हुए स्पेस शटल की मदद से उन्होंने वहां पर ऑक्सीजन तैयार करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। क्योंकि बायो इंजीनियर्स को ये बात पता थी कि 2050 आते आते पृथ्वी का इन्वायरमेंट लेवल इतना गिर जाएगा कि इंसान मरने लगेंगे, इसीलिए अभी 2000 से ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई थी। मार्स पर इन लोगों ने ऐसा एटमॉस्फेयर बना लिया था जहां पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगती, यानी कि अब मार्स पर भी ऑक्सीजन आने लगा था और इसी वजह से ये लोग अब एक मिशन तैयार करते हैं। यहां तक इस मिशन पर अभी तक इन्होंने जितने भी स्पेस शटल भेजे हुए होते हैं जिनमें रोबोट ही होते हैं, लेकिन ये ऐसा स्पेस शटल होता है जहां पर अब ये खुद इंसान मार्स पर जाकर वहां का ऑक्सीजन का जायजा लेगा, इसीलिए ये लोग अब एक टीम तैयार करते हैं। इस प्रोजेक्ट पर पृथ्वी के कई सारे देशों ने मिलकर काफी मेहनत लगाई थी और इसका नतीजा ये था कि इन्होंने एक बहुत बड़ा सा शिप बना लिया था। इस शिप का नाम होता है मार्क्स वन। शिप एडवांस फीचर से तैयार किया गया था और ये शिप अब अपने सफर पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस मिशन की कमांडर एक लेडी होती है जिसका नाम होता है कैट वुमन और इसी के साथ एक आदमी होता है जिसका नाम होता है सेंटिनल। दरअसल सेंटिनल एक चीफ साइंटिस्ट होता है और उसके साथ होता है गैलेगर। गैलेगर भी वहाँ का एक मैकेनिकल होता है। अब इन लोगों के साथ और भी तीन लोग मौजूद होते हैं जिनमें से एक का नाम होता है सेंटिन जो कि एक को पायलट होता है और दूसरे का नाम होता है बुरशनल जो कि एक बायो इंजीनियर होता है। जिसके साथ साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है पैटिनगिल जो एक टेरा फार्मिंग एक्सपर्ट होता है और इसी के साथ ये लोग काफी मशहूर भी होते हैं क्योंकि सारी दुनिया की नजर इन पर टिकी हुई होती है। इसी शिप पर एक रोबोट भी मौजूद होता है जो एक बॉक्स में पैक होता है और इसका नाम होता है एमी। दरअसल ये एमी एक नेविगेटर का काम करता है, जो लोग उस मार्स पर उतरेंगे उनका लोकेशन की जानकारी वो उन तक पहुंचाता रहेगा। ये सफर कई महीनों का होता है, इसीलिए इस शिप पर जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो अपना काम बड़े ही अच्छी तरीके से करते हैं और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ये लोग बीच बीच में पार्टी भी करते हैं। इसी के साथ साथ इसी शिप में एडवांस फीचर्स के होने की वजह से इन्हें ग्रेविटी का कोई भी इशू नहीं होता और कई महीने बाद ये लोग अब मार्स की सरफेस के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग मार्स की सरफेस में इंटर करने वाले होते हैं, दरअसल ये लोग उसी शिप में से मार्स पर एक लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं। ये लोकेशन एक रोबोटिक स्टेशन की होती है। ये वही रोबोटिक स्टेशन होता है जहाँ पर इंसानों ने पहले वो रोबोटिक प्लांट बनाया हुआ होता है और ये एक बायो प्लांट होता है और इसी लोकेशन को ढूंढने के बीच ही यहाँ पर एक सोलर फ्लड आ जाता है और इसी फ्लड की वजह से उस शिप में रेडिएशन का असर होने लगता है। दरअसल इस शिप पर जो लाइट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो काम करना बंद कर देते, इसीलिए सारे एस्ट्रोनॉट अब उन सारे स्विच को बंद करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो फ्लड उनसे दूर निकल जाता है। अब इस फ्लड के जाने के बाद उस शिप पर काफी नुकसान हो जाता है, इसी वजह से वहाँ पे डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं और वो शिप उन्हें सूचित भी करता है कि ये शिप कभी भी टुकड़ों में बिखर सकता है या फिर इसने जितने भी सिस्टम है उन्होंने काम करना बंद कर दे, इसीलिए उस शिप का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है। सारी शिप का जायजा लेने के बाद कमांडर बोमन ये डिसाइड करते हैं कि सारे एस्ट्रोनॉट को अब मार्स पर भेजने की तैयारी कर लेती है और सारे एस्ट्रोनॉट को वो आदेश भी दे देते हैं कि अब ये मिशन शुरू हो चुका है। इसीलिए सारे एस्ट्रोनॉट अब अपना सूट पहन लेते हैं, अब एक शिप में बैठ जाते हैं। जो एमी नाम का रोबोट होता है उसे भी वो अब उसी शिप में डाल देते हैं। कमांडर बोमन उसी मार्स वन शिप में होती है और उस छोटी सी शिप को वो लॉन्च कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो लॉन्च करने जाती है वहाँ पर सिस्टम फेल हो जाता है और वो छोटी सी शिप वहाँ से लॉन्च नहीं हो पा रही होती है। लेकिन अब बोमन उस शिप को रिस्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है। शिप का पावर सप्लाई पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसीलिए कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहे थे और इसी वजह से वो छोटा सा शिप अब लॉन्च नहीं हो रहा था जो कि मार्स पर जाने वाला था। इसीलिए अब कैप्टन बोमन डिसाइड करती है कि वो शिप को मैनुअली ऑपरेट कर दे। अब तक जो शिप चल रहा था वो ऑटोमेटिकली मैनुअल पर चल रहा था, लेकिन वो अब उन्हें जाकर फिजिकली इस शिप को स्टार्ट करना पड़ेगा, इसीलिए अब खुद जाकर उस शिप में से वो स्विचेस निकालती है और उन्हें स्टार्ट करती है। छोटा शिप भी लॉन्च हो जाता है और वो मार्स की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ये शिप मार्स के एनवायरनमेंट में इंटर करता है ये ग्रेविटी की वजह से पूरी फोर्स के साथ वो अब मार्स पर गिरने लगता है और ये लोग अब पैराशूट खोल देते हैं और पैराशूट खोलने की वजह से अब ये लोग जहां पर लैंड करने वाले थे उस टारगेट से भटकने लगते हैं।
इसी वजह से उस शिप का को पायलट उस शिप के लैंडिंग गियर्स को निकाल देता है। जैसे वो लोग लैंडिंग गियर्स को निकाल देते हैं, शिप हल्का हो जाता है। अब वो लोग मार्स के जमीन तक पहुंच जाते हैं और वो लोग ऐसी जगह पर लैंड होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं और ये शिप के बलून भी बाहर निकल आते हैं और इसी बलून की मदद से ये लोग अब उन पहाड़ों से नीचे खिसकने लगते हैं। और ये लोग अब कई देर तक खिसकने के बाद ऐसी जगह पर लैंड हो जाते हैं जहाँ पर ये लोग उस शिप से बाहर आ जाते हैं। जैसे ये लोग लैंड हो रहे होते यानी कि उन पहाड़ों से नीचे गिर रहे होते तभी यहाँ पर इन लोगों में जो आदमी होता है, जो सबसे सीनियर जिसका नाम होता है सेंटिनल, उसे चोट लग जाती है। उसी शिप में से बाकी चार लोग सही सलामत निकल आते हैं। जहाँ पर इन्होंने एक स्टेशन बनाया हुआ था जिसका नाम हैव है, ये उस लोकेशन से काफी दूर होता है। दूसरी तरफ उसी सोलर फ्लड की वजह से मार्क वन शिप पर काफी नुकसान हो गया था और इसी वजह से वो शिप धीरे धीरे अब बंद हो रहा था। और तभी वहां पर कैप्टन वुमन शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है और सर्किट की वजह से वहां पर आग लगना शुरू हो जाती है। कमांडर को वो शिप सूचित करता है कि उस सेक्शन में आग लगी है, इसी वजह से कैप्टन उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। इसी कोशिश के बीच में वुमन उस आग को बुझाने में कामयाब हो जाती है। इसी आग बुझाने की कोशिश में बोमन की जान जाते जाते बच जाती है। उसी शिप में ग्रेविटी सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है, इसी वजह से कमांडर बोमन की मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। लेकिन कमांडर बोमन जैसे तैसे उस स्विच को ऑन कर देती है और जैसे ये सिस्टम ऑन हो जाता है शिप पहले के जैसे चलने लगता है और ग्रेविटी सिस्टम भी ठीक ठाक काम करने लगती है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ने लगता है और ये शिप पहले जैसे शुरू हो जाता है। अब दूसरी तरफ जो लोग मार्स पर गए हुए होते हैं वो अपने लोकेशन से भटक चुके होते हैं। उनमें से जो सबसे सीनियर होता है वो जख्मी होता है और वो चलने की हालत में नहीं होता, इसलिए इन लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके पास एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस की मदद से वो अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाते हैं लेकिन उन्हें सही लोकेशन नहीं मिल पाती। उनके पास जितना अंदाजा होता है उसके हिसाब से ये लोग अब आगे बढ़ने लगते। दरअसल इन लोगों के पास कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची हुई होती है और जो आदमी जख्मी हुआ होता है तक नहीं चल सकता, इसीलिए अब वो लोग उसी वही छोड़कर बाकी के चार लोग आगे बढ़ने लगते हैं। पर जब ये लोग लैंड हो रहे थे तब उन्होंने एक लैंडिंग स्टैंड गिराया हुआ था। ये लैंडिंग स्टैंड किसी अननोन लोकेशन पर गिरा था, ये लोकेशन उनसे काफी दूर होता है। इस लैंडिंग स्टैंड में से एक रोबोट आया था, ये एक एमी नाम का रोबोट था और ये रोबोट एक्टिवेट हो गया था, इसीलिए ये रोबोट अपने आप ही सारी जगह को स्कैन कर रहा था और उसी शिप को और उन लोगों को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी इसने एक ड्रोन लॉन्च कर दिया था और वो ड्रोन लॉन्च करते ही वो वहाँ के सारी जगह को स्कैन करने लगता है। और अब दूसरी तरफ वुमन उस शिप को ठीक कर उनकी लोकेशन को ट्रैक कर रही होती जहाँ पर वो शिप गिरा हुआ था और लेकिन उन चारों का कोई भी पता नहीं होता और वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। पर जो लोग हब स्टेशन को ढूंढने गए हुए होते हैं उन्हें हब स्टेशन का लोकेशन मिल जाता है और वो लोग उस हब स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग हब स्टेशन को देखते हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है, वहां पे उनके जीने के लिए यानी कि उनके ऑक्सीजन के लिए कोई भी सोर्स नहीं होता और इसी वजह से वो लोग काफी मायूस हो जाते हैं और उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं होता, इसीलिए अब उनके पास कुछ घंटों की जिंदगी बची हुई होती है। लोगों में से गैलेगर और ब्रूचेनल वहीं पर उसी हब के पास बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं लेकिन इनमें जो सेंटन नाम का आदमी होता है वो एक पहाड़ की ओर निकल जाता है और एक खाई की ओर आकर रुक जाता है और वो अपने बीते दिनों को याद करने लगता है। तभी वहां पर पैटिंगर वहां तक पहुंच जाता है और उससे बात करने लगता है। दरअसल इन दोनों में काफी नफरत होती है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते लेकिन ये लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी वहां पर उन काफी निगेटिवली बात करते हैं और इन दोनों के बीच में जैसे लड़ाई ही होने ही वाली होती है और इसी के बीच में सेंटन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उसी खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पैटिंगल काफी डर जाता है और वो हब के पास वापस लौट आता है। जैसे वो हब के पास वापस लौट आता है वो उन लोगों से कहता है कि सेंटन ने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। खबर सुनकर इन लोगों पर ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि ये लोग भी अब कुछ ही मिनट में मरने वाले थे, इसीलिए अब इन लोगों को भी सांस की कमी महसूस होने लगी थी और ये लोग भी धीरे धीरे अब इन लोगों का दम घुटने लगा था। लोगों के सूट में से सबसे पहले गैलेगर का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और जैसे ही उसका ऑक्सीजन खत्म होता है वो मरने ही वाला होता है, तब भी वो एन वक्त पर अपना हेलमेट निकाल देता है और जैसे वो अपना हेलमेट निकालता है उसे सांस आना शुरू हो जाती है, यानी कि उसे पता चल जाता है कि यहाँ के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी मौजूद है और तभी वो बात उन दोनों को बताता है और वो लोग भी अपना हेलमेट निकाल लेते हैं और वो भी सांस लेने लगते हैं।
दूसरी तरफ मार्स शिप पर बोमन भी इन लोगों से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही होती है और उनका लोकेशन ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए वो तंग आकर अर्थ से सहाय मांगती है, इसीलिए वो लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो लोग उस तक नहीं पहुँच सकते। इसीलिए वो एक प्लान बनाते हैं, वो उसे एक जर्नी करने के लिए कहते हैं। इसी जर्नी के दौरान उन लोगों को वही मार्स पर छोड़कर अकेले उस शिप को लेकर उसे ट्रैवल करना होगा और वो अर्थ के करीब पहुँचते ही उसे रेस्क्यू कर लेंगे। खबर मिलने के बाद कमांडर बोमन अब काफ़ी हद तक नायूस हो जाती है और वो उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए वो अभी भी उन लोगों की लोकेशन को ट्रैक कर रही होती है। इसी प्लैनेट पर रात हो जाती है और ये लोग उसी हब स्टेशन के पास बैठे हुए होते हैं और सो रहे होते हैं, तब भी अचानक से वहाँ पर एमी रोबोट पहुँच जाता है। ये लोग एमी रोबोट को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, तभी वो लोग उस रोबोट के पास जाते हैं और उसे देखते हैं, तभी वो उन्हें पता चलता है कि ये रोबोट डैमेज हो चुका है, इसीलिए उस रोबोट को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में ये लोग बोलते हैं कि उस रोबोट को मरना पड़ेगा, यानी कि इस रोबोट को अब बंद कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर वो रोबोट उस बात को गलत समझ लेता है और अपना दुश्मन समझ लेता है और उन पर हमला कर देता है। इसी हमले में ये लोग उस रोबोट को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, उसका मैनुअल बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रोबोट इतना स्मार्ट होता है कि वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश के बीच रोबोट अब रूचनल पर हमला कर देता है और इसी हमले में वो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। उस रोबोट के बारे में सब कुछ पता होता है, इसीलिए गैलेगर उन्हें बताता है कि ये एक मिलिट्री मोड में चला गया, इसीलिए उसकी सेटिंग चेंज हो चुकी है और इसी वजह से वो अब हमें दुश्मन समझता है, क्योंकि हमने उसे मारने की और बंद करने की बात की थी, इसीलिए वो हम पर दोबारा हमला करेगा, इसीलिए हमें उससे बच के रहना होगा। ये लोग अब अपना अगला सफर शुरू कर देते हैं। ये लोग एक ऐसे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं जहां पर एक पहले रोबोट को भेजा गया था और उसी रोबोट में से ये लोग अब एक रेडियो सिस्टम को बाहर निकालते हैं। ये काफी पुराना होता है और उसी रेडियो सिस्टम से ये लोग अब मार्क्स वन शिप पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई कोशिश करने के बाद भी मार्क्स वन शिप से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए अब तंग आकर गैलेगर उस डिवाइस को फेंकने ही वाला था, तब भी वहां पर अचानक से अब बोमन से कॉन्टेक्ट हो जाता है। बोमन वहां से रिप्लाई देना शुरू कर देती है और तभी वो गैलेगर उस डिवाइस को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे बात करने लगता है। रेडियो पर वो उनकी लोकेशन और उनके बारे में सारी जानकारी उसे बोमन को दे देते हैं। तभी बोमन उन्हें कुछ देर बाद फिर से कांटेक्ट करती है और उन्हें ऐसे प्रोब के बारे में बताती है जहाँ से वो उनसे कई किलोमीटर दूर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें कम से कम 17 से 18 घंटों का वक्त लग सकता है। इसीलिए वो लोग अब अपना सफर शुरू कर देते हैं। रोबोट के हमले की वजह से ब्रूचनल की हड्डी टूट गई थी, इसीलिए उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे चलने में बहुत तकलीफ आने लगती है। इसीलिए अब गैलेगर उसकी मदद करता है और उसे खींचते हुए वो लोग अब अपना सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अभी वहाँ पर अचानक से एक तूफान उनकी ओर बढ़ने लगता है और ये तूफान काफी तेज होता है। शिप में से भी बोमन उन लोगों को सूचित कर देते हैं कि ये तूफान काफी तेज है और कुछ ही पल में तुम तक पहुंच जाएगा। ये तूफान काफी बर्फीला होता है, इसीलिए इन लोगों को छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है और ये लोग एक पहाड़ के अंदर छुप जाते हैं जहाँ पर एक गुफा होती है। गुफा में ये लोग उस बर्फीले तूफान का जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब इसी गुफा में पैटिंगल उन्हें ये बात बताता है कि जिस प्रोब तक हम जा रहे हैं उसी प्रोब में बैठने के लिए सिर्फ एक लोग की जगह है और मुश्किल से मुश्किल इसमें दो ही लोग बैठ सकते हैं। ये बात सुनकर वहाँ पे जो एक आदमी होता है जिसका नाम पैटिंगल होता है, वो उसे कहता है कि यहाँ पर जो ब्रूचनल नाम का आदमी वो जख्मी हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ दोनों ही मिलकर उस शिप में जाएंगे और वहाँ से बाहर निकलेंगे। गैलेगर पैटिंगल की बात से सहमत नहीं होता, इसीलिए वो अपने इरादा नहीं बदलता, इसीलिए वो उनसे कहता है कि हम तीनों जाकर उस शिप के पास जाएंगे और वहीं जाकर डिसाइड करेंगे। अब ये तीनों उसी गुफा में सो जाते हैं। तभी जो एमी नाम का रोबोट होता है वो उनकी लोकेशन को ढूंढ लेता है और वो जैसे ही मौका मिलेगा वो उन पर हमला कर देगा, लेकिन यहाँ पर जो पैटिंगल नाम का आदमी होता है उसके हाथ से वो रेडियो डिवाइस छीन कर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट उसके पीछे भागने लगता है और उसे देखते देखते उसे जान से मार देता है, घसीटते हुए वहां से कई दूर ले जाता है। ये सब गैलेगर और ब्रूचनल वहां से देख रहे होते हैं। जैसे ही मौका मिलता है ये लोग उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पैटिंगल की लाश पड़ी हुई होती है और उसके हाथ में वही रेडियो डिवाइस होता है। पैटिंगल की लाश पड़ी हुई होती है, वहाँ पर कई सारी घास उगी हुई होती है और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी काफी ज्यादा होता है। ये देखकर ये दोनों काफी शॉक हो जाते हैं और वो लोग अब पैटिंगल के हाथ से उस रेडियो डिवाइस को निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पर ब्रूचनल कुछ नोटिस करता है, वो देखता है कि उसके सूट में से कुछ हलचल महसूस हो रही है, इसीलिए वो उसके हेलमेट को काटने की कोशिश करता है।
पैटिंगल के मुंह में अजीब तरह के कीड़े होते हैं जो पैटिंगल की लाश को अंदर से खा रहे होते हैं। तब भी वहाँ पर ब्रूचनल उसके हेलमेट को तोड़ने की कोशिश करता है। वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उस डिवाइस की मदद से उसकी लाश में अचानक से आग लग जाती है और वहाँ पर जितने भी कीड़े होते हैं वो अचानक से बम की तरह फूटने लगते हैं और उसे देखकर ये दोनों काफ़ी शॉक हो जाते हैं। देखकर ब्रूचनल को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन इन्हीं कीड़ों की मदद से बनाया गया है। दरअसल ये कीड़े ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसीलिए ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन है इन्हीं कीड़ों की मदद से बन रहा है और उनका सैंपल भी अब ब्रूचनल अपने पास ले लेता है। तभी वहाँ पर देखते ही देखते ब्रूचनल के पास काफ़ी सारे कीड़े आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और उसके मुँह से भी खून बहने लगता है। जगह पर जमीन के नीचे वो कीड़े लाखों की तादाद में मौजूद होते हैं और वो ब्रूचनल को धीरे धीरे खा रहे होते हैं। इसीलिए अब ब्रूचनल को ये बात पता होती है कि ये कीड़े आग के संपर्क में आ जाने की वजह से फटाके की तरह फूट जाते हैं और इतने सारे कीड़ों को फूटने की वजह से बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा और सारे कीड़े मर जाएंगे। इसीलिए वो अपने जेब में से एक लाइटर निकाल कर जला कर वही छोड़ देता है और इस वजह से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके की वजह से अब मार्क्स वन शिप पर एक मैसेज मिलता है। ये मैसेज कमांडर बोमन के पास जाता है। कमांडर बोमन उस लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और फिर से उनसे कांटेक्ट में आ जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ गैलेगर ही बचा हुआ होता है और गैलेगर अब कमांडर बोमन से बात करता है। बोमन को वो बताता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और मैं भी यहाँ पर ही मर जाऊँगा, लेकिन कमांडर बोमन उसे हिम्मत भी देती है और उसे उस रूम तक पहुँचने के लिए कहती है। गैलेगर उस प्रोब के पास पहुंच जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गैलेगर उसके मैनुअल में देखता है तब उसे वो रशियन लैंग्वेज में होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और ये काफी पुराने टाइप का होता है। इसीलिए अब बोमन उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है। तब उसे पता चलता है कि वो उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है और उसे बैटरी को चार्ज करने के लिए सुपर पावर की जरूरत पड़ेगी। प्रोब को चलाने के लिए उसमें फ्यूल तो होता है, लेकिन उसे लॉन्च करने के लिए उसमें बैटरी नहीं होती। इसी वजह से अब गैलेगर भी हार मान लेता है और वो वही थक कर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एमी नाम का रोबोट पहुँच जाता है और वो उस पर घात लगाए हुए उसके अगल बगल में ही घूम रहा होता है और वो अचानक से उस पर हमला करने वाला होता है। एमी रोबोट गैलेगर के आसपास होता है। गैलेगर के हाथ पर एक स्क्रीन होती है, उसी सूट के स्क्रीन पर वो एमी जो भी चीज़ें देखता है वो उसी स्क्रीन पर देख सकता है, क्योंकि उसका इंचार्ज गैलेगर ही होता है। इसीलिए वो उस स्क्रीन को देख लेता है और तब भी वो एक प्लान बना लेता है कि उसके पास जो फ्यूल होता है उसमें से आधा फ्यूल वो बाहर निकाल कर रख देता है के पास रखकर वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। गैलेगर के सामने आ जाता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी एन वक्त पर गैलेगर वहाँ से हट जाता है और वो सीधा जाकर उस फ्यूल वाले टैंक से टकरा जाता है और उससे एक बड़ा धमाका हो जाता है। इस धमाके में अब एमी के काफ़ी स्पेयर्स काम करना बंद कर देते हैं और इस वजह से वो कमज़ोर हो जाता है और मौके का फ़ायदा देखते हुए अब गैलेगर भी उसके सीने में से एक बैटरी निकाल लेता है और इस वजह से वो बंद होने लगता है। तभी उसने जो एक ड्रोन ऊपर छोड़ा हुआ होता है वो ड्रोन उसके पास आकर उस गैलेगर पर हमला करने वाला होता है। तभी गैलेगर वहाँ से हट जाता है और उसी ड्रोन की वजह से एक और धमाका हो जाता है और वो एमी नाम का रोबोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी रोबोट में से निकाले हुए उस बैटरी को अब गैलेगर उस प्रोब में फिट कर देता है, उसकी वजह से वो प्रोब एक्टिव हो जाता है और वो लॉन्च के लिए तैयार हो जाता है। अब गैलेगर उस प्रोब में बैठकर वहां से उसको लॉन्च कर देता है। जैसे ही वो अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगता है और अंतरिक्ष में बढ़ने के लिए उसे काफ़ी फोर्स की ज़रूरत होती है और सारा फ्यूल उसी फोर्स में लग जाता है, लेकिन वो सक्सेसफुली अब मार्स पर बाहर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है की मदद से। गैलेगर अब उस मार्स के एनवायरनमेंट से बाहर आ जाता है और वो मार्स वन शिप की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वो वही रुक जाता है और उसका सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उसके पास प्यूरा ऑक्सीजन नहीं होता और वो वही बेहोश हो जाता है। वो शिप मार्स वन शिप के काफी करीब पहुंच जाता है और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है कमांडर बोमन उसे एक डिवाइस की मदद से खुद जाकर उसको अपने शिप के अंदर ढकेल देती है और जैसे ही वो शिप के अंदर आता है वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है और उसे सांस नहीं मिल रही थी, इसीलिए अब उसकी जान भी जाने वाली थी। लेकिन कमांडर बोमन उसके सूट एक हथियार की मदद से फाड़ देती है और उसके चेस्ट को प्रेस करने लगती है, इसकी वजह से उसे सांस आनी शुरू हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद कैलीगर को भी
भी होश आ जाता है। जैसे ही गैलेगर होश में आ जाता है, कमांडर बोमन काफी इमोशनल हो जाते हैं और खुश भी हो जाती है। इसी खुशी में वो गैलेगर को गले लगा लेती है और तभी वहां पर गैलेगर उसे कहता है कि घर चलते हैं। इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, रेड प्लैनेट ये मूवी सन 2000 में रिलीज की गई थी और इस मूवी को साईफाई और एडवेंचर कैटेगरीज में रखा गया है। दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर है एंटोनी हॉफमैन और इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग मिली है 5.7 आउट ऑफ 10। दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि ऐसी मूवी जिसका एक्सप्लेनेशन बनना चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। मिलता रहूंगा एक और कई मूवीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।